Hello friends, now we have the next applications of Ampere's circuital law. So three applications we will study here. Magnetic first application is magnetic field due to a long current carrying conductor. Then second, magnetic field due to a solenoid. And third, magnetic field due to a toroid. So first we will see magnetic field due to a long current carrying conductor. So this is a long current carrying conductor hai of infinite length and it has the current I. Iske andar current kitna hai? I. अब यहाँ पे इसकी रेडियस है आर, ये जो लूप है, ये जो है दिस इज द वन लूप, लूप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम बोलेंगे एम्पीरियल लूप। अब ये जो लूप है इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है बी। अब हम इसमें एक छोटा करंट डिस्प्लेसमेंट लेते हैं डी एल, ओके, एक छोटा एलिमेंट लेते हैं, दिस इज द डी एल एंड डी एल विल हैव द डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जो डी एल और बी के बीच में एंगल होगा दैट विल बी इक्वल टू 0 degree. The angle will be equal to 0 degree. Means B vector and DL. जैसे मैंने आपको बताया था कि जो displacement DL की direction होगी और magnetic field की direction होगी वो हमेशा क्या होगी, same होगी. Okay? So B dot DL. Okay? तो यहाँ हमने एक vector डाल के इसकी direction लिखी है. Okay? So यहाँ पे आपका integration of B vector dot DL vector कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका बी डी एल कॉस थीटा, वही जो हमने पहले करा था उस टाइप से करेंगे यहाँ पे। तो बी यहाँ से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल हो जाएगा और थीटा हो जाएगा आपका 0 degree और लिमिट हो जाएगी 0 to 2 pi. तो यहाँ से हो जाएगा बी इंटू 2 pi r. तो ये आपका आया इंटीग्रेशन ऑफ बी वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर. ओके, अब वी नो दैट बाय एम्पियर, ओके, बाय एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वैक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई. तो यहां से आपका बी डी एल की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, बी इंटू 2 pi r और ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई. ठीक है, तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 pi r, म्यू नॉट आई अपॉन 2 pi r. अब ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड आई आपकी म्यू नॉट आई अपॉन 2 pi r. दिस इज द सेम मैग्नेटिक फील्ड वी हैव कैलकुलेटेड इन द केस ऑफ द बायो सेवर्ट लॉ. बायो सेवर्ट लॉ में जो आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन यही थी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, उसको हमने जब सॉल्व किया था तो वो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस थी थोड़ी, उसमें काफ़ी हमने ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करी थी, इंटीग्रेशन वगैरह यूज करा था. और यहाँ देखिए बहुत इजी है, क्या हो गई, कैलकुलेट हो गई. ओके, वेरी इजीली ये क्या हो गई, यहाँ पे कैलकुलेट हो गई. तो ये आप एम्पियर सर्किट लॉ से काफ़ी इजीली निकाल सकते हो. अगर एग्जाम में आती है तो अगर ऐसा पूछा गया कि बायो सेवर्ट लॉ से निकालनी है तो आप वो मेथड यूज़ करेंगे, और अगर ऐसा पूछा गया कि एम्पियर सर्किटल लॉ से निकालनी है तो ये वाली मेथड यूज करेंगे. और ऐसा नहीं पूछा गया, हालांकि ज़्यादातर जो कोई इसमें आता है वो इसमें ये पूछा, कोई मेथड पर्टिकुलर मेथड नहीं पूछी जाती है, दे जस्ट गिव द क्वेश्चन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर. तो आप कोई सी मेथड यूज कर सकते हो, यू कैन यूज द बायो सेवर्ट लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ. ठीक है, तो आप ये वाली यूज कर लीजिए, ये काफ़ी ईजी है और काफ़ी आसानी से इसका मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगी. ठीक है, so this is the first application. Now then we will study the next application. Okay, thank you.